आज की हमारी मूवी है इन प्रेस ऑफ ओल्डर वुमेन और ये रिलीज हुई थी 1978 में। भाई साहब, मूवी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस तुम इस बच्चे के बारे में एक बार देख लेना। इसे देखकर तुम यही कहोगे कि सारा बचपन तो इसी ने जिया है, हम तो बस वीडियो गेम ही खेलते रह गए। अब ज्यादा लेट ना करते हुए अब हम चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लसुन को। यहाँ लसुन के फादर की अभी डेथ हुई है, इसलिए अब वो अपनी मॉम के साथ रहता है और यहाँ उसकी मॉम हमेशा अपनी सहेलियों के साथ रहती है, इसलिए लसुन का मन अब अंटियो की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा होता है और उसकी बचपन से ही फैंटेसी होती है कि वो किसी अंटी के साथ टपाटप करे। फिर वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटा बच्चा कैसे आर्मी में जाएगा। ये 1945 का समय होता है जब छोटे बच्चों को भी आर्मी में ले लिया जाता है। यहाँ वो अपने बड़े ऑफिसर्स की वाइफ को नहाते हुए देखा करता था और एक दिन वो पकड़ा भी जाता है। उसमें से एक औरत उसे देख लेती है नहाते हुए, पर उसे लगता है कि ये छोटा बच्चा है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती और उसे किस करके वहां से चले जाती है। और अब जब उसने उस औरत के लिप्स को टेस्ट कर लिया है तो इसके अरमान काफी जाग जाते हैं और इसके हार्मोन्स तो चरम सीमा पर होते हैं। समय बीतता है और अब अपना लसुन 15 साल का हो गया है। अब लसुन काफी हैंडसम दिखने लग गया है तो कई लड़कियां उस पर लट्टू हो जाती हैं। और अभी फिलहाल में वो एक बड़े बिजनेसमैन के घर में काम कर रहा है। यहाँ जो बिजनेसमैन की वाइफ होती है लसुन उसको बहुत लाइन मारता है। आपको तो पता ही है वो बचपन से ही औरतों को काफी पसंद करता है, लेकिन बिजनेसमैन के घर में होने की वजह से उसकी दाल नहीं गलती। यहाँ लसुन की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कभी टपाटप करने नहीं देती और इस बात से अपना लसुन काफी परेशान होता है। फिर एक दिन जब वो बिजनेसमैन घर पर नहीं होता तो लसुन पहुंच जाता है उसके घर पर और वहां पर उसकी वाइफ अकेली होती है, इसलिए वो उसको रिझाने के लिए बातें करने लगता है और वो उससे पूछ ही लेता है कि मैं ऐसा क्या करूं अगर मुझे किसी लड़की के साथ टपाटप करना हो, क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे टपाटप करने नहीं दे रही है। इसके बाद वो लेडी उसको कुछ टिप्स देती है और फिर अपना लसुन सीधा पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। आज उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है, इसलिए वो उसके लिए एक गाउन गिफ्ट में लाता है जिसे पहनकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे दिखाती है, जिसे देखने के बाद लसुन का फूलने लगता है और वो वहीं पर उसका गाउन उतारने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड को भी जोश आ रहा होता है, जिसके बाद अपना लसुन अपना बैट लेकर जाता है पिच पर और जब पहला शॉट मारता है तो बेबी की आवाज आ जाती है कि बाबू बहुत दर्द हो रहा है। लसुन भैया उसको समझाते हैं कि बेबी ये प्यार का मीठा मीठा दर्द है, लेकिन वो नहीं मानती और इसके बाद लसुन भैया को पिच छोड़नी पड़ती है और वो काफी गुस्सा भी होता है और उसको आना भी चाहिए क्योंकि इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा होता है। जब उसको आज मौका मिलता है उसमें भी उसकी दाल नहीं गलती। फिर वो सीधा जाता है उस बिजनेसमैन की वाइफ के पास और उनको वो सारी बात बताता है। यहाँ पर बिजनेसमैन की वाइफ बताती है, मेरे हस्बैंड भी काफी बिजनेस ट्रिप से बाहर जाते हैं और मुझे यहाँ अकेले छोड़ देते हैं और वो जब भी आते हैं तो थके हारे ही होते हैं, वो खुद के ही मजे लेते हैं और मुझे खुश नहीं करते हैं। ये सुनकर हमारा लसुन समझ जाता है कि आंटी क्या इशारा करना चाह रही है। इसके बाद फिर वो दोनों चुम्मा चाटी करते हैं और फिर दोनों ही टपाटप करने लगते हैं। फिर आज के बाद से वो लोग ये काम रोज ही करते थे और इन दोनों के इस टपाटप के बारे में आंटी की फ्रेंड को भी पता चल जाता है। इसके बाद जब एक दिन आंटी नहीं होती तब उसकी फ्रेंड उसके घर आकर लसुन के मजे लेने लगती है, लेकिन इतने में ही वो आंटी आ जाती है और उन दोनों को ये सब हरकतें करते हुए देखकर उन दोनों को वहां से भगा देती है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लसुन से कहती है कि तुमने तो मुझे चीट कर दिया, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन अब हमारा रिलेशनशिप खत्म, अब तुम अपने हाथों से ही काम चलाओ। अब लसुन के पास तो ठेंगा बचता है तो वो सीधा जाता है बार में, जहाँ उसे एक लौंडिया मिलती है जिसे वो थोड़ी बहुत बातें करता है। फिर लड़की उसे तुरंत बोल देती है कि मेरा मूड आज टपाटप का है। फिर वो दोनों एक होटल में जाते हैं और यहाँ पर ये लोग टपाटप करने लगते हैं और इनकी हवस पूरे रात भर चलती है। इसके बाद से लसुन ये प्रोग्राम रोज करता है। वो रोज यहाँ वहाँ जाकर अपनी सी बड़ी लड़कियों को इम्प्रेस करता था और रात में उसके साथ टपाटप करता था। अब यहाँ काफी साल बीत चुके होते हैं और फिर हम 1956 में आ जाते हैं। यहाँ अब हमारा लसुन हो चुका है 18 साल का, लेकिन आज भी उसे अपनी से बड़ी लड़कियाँ ही पसंद है। फिर एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक औरत को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे पटती नहीं है।
और यहाँ पर हो जाती है उसकी गुगली, जिसके बाद वो चली जाती है। पास में ही एक आंटी बैठी होती है जो उसे देखकर हंस रही होती है और उससे बोलती है कि क्या तुम ऐसे लड़कियां पटाते हो, ऐसे तो तुमसे कोई भी नहीं पटेगी। यहाँ आंटी को पता नहीं होता कि लहसुन किस खेत की मूली है। लहसुन उसे बहुत अच्छे से बात करता है क्योंकि उसे लगता है कि पहली वाली ना सही ये तो पट ही जाएगी। इसके बाद वो उसके साथ फ्लर्ट करता है और फिर आंटी उसे अपने साथ ले जाती है और वो ये भी बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन लहसुन को तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंटी बताती है कि मुझे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मेरा डिवोर्स होने वाला है। ये सुनकर लहसुन और खुश हो जाता है। फिर वो दोनों आंटी के घर आ जाते हैं। यहाँ पर लहसुन घर पहुँचते ही लहसुन को बिल्कुल भी सबर नहीं होता और उसका चिपका चिपकी चालू हो जाती है। फिर वो चुम्मा चाटी में आ जाता है, लेकिन यहाँ आंटी उसे समझाती है कि इसके लिए अभी टाइम है, अभी हम सिर्फ दोस्त हैं, हमको फ्रेंड विद बेनिफिट ना समझना, और कुछ बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस आंटी के पीछे पीछे लहसुन जाता है और पास जाने के बाद वो उसे सहलाने लगता है। वो उसे इतनी गर्मी दिला देता है कि वो मना नहीं कर पाती और फिर दोनों ही टपाटप करने लगते हैं। फिर ये इनका ये कार्यक्रम रोज ही चला करता था, कई बार कई घंटे ये बस इसी में लगे रहते थे क्योंकि इन लोगों के पास और कोई काम नहीं होता। उठो पेलो सो जाओ, उठो पेलो सो जाओ, बस यही इनकी दिनचर्या थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इन पर आती है एक मुसीबत, क्योंकि आंटी को जाना होता है शहर से बाहर कुछ काम के लिए और यहाँ पे हमारा लहसुन अकेला पड़ जाता है और अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगता है। अब इतने दिनों से हाथ नहीं हिलाया होता है इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर वो पार्टी में जाता है एक नई आंटी को खोजने के लिए। उसको वहाँ पर एक लड़की मिल जाती है, वो उसके साथ बात करके उसे कन्विंस भी कर लेता है। फिर जब वो उसे अपने घर लेकर आती है, वो लहसुन को जोश दिलाने के बाद उसे मना कर देती है, जिसके बाद हमारा लहसुन हाथ हिलाते हुए घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद ही वो आंटी वापस आ जाती है। फिर यहाँ लहसुन देखता है कि आंटी आ गई है और सो रही है, तो वो बड़े स्टाइल में उनको जगाता है, तो ये उनके पास जाकर उंगली करने लग जाता है। आंटी को भी यह मजा आ रहा होता है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं चलती क्योंकि आंटी बताती है उनको परमानेंटली ये कंट्री छोड़कर जाना होता है, जिसके कुछ दिनों के बाद वो आंटी उसे गुड बाय करके चले जाती है और अपना लहसुन अब फिर से रोड पर आ जाता है। इसके बाद फिर वो एक प्रोफेसर का जॉब करता है, वहाँ पर उसे एक टीचर मिलती है जिसके साथ वो सेटिंग कर लेता है। लहसुन इतनी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ होता है कि उसे कोई ना कोई आंटी मिल ही जाती है। उसे फिर एक आंटी मिल जाती है जिसके साथ वो फिर चला जाता है टपाटप करने के लिए। टपाटप इनका बहुत सही जाता है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इनका काम सही होता है, चाटो पोछो और चलते बनो, बेबी बाबू सोना ये सब नहीं करते, बड़े तेजस्वी लोग होते हैं ये। अगले दिन फिर उसे कोई मिल जाती है और उसके साथ भी वो चाटने पोछने लगता है। फिर वो अलग अलग हो जाते हैं और इसके बाद से इनका ये प्रोग्राम चलता ही रहता है। लहसुन कोई भी एक लड़की के साथ नहीं रहता, वो हर रोज अपनी लड़कियां बदलता रहता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी जरूर देखिए।